गरौट विधानसभा के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिसोदिया जी उपचुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने, 2.25 साल के लगभग का कार्यकाल अब तक हो चुका है। क्या कुछ विकास कार्य हुए और जनता को गरौट में क्या सौगात मिली है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चंद्र सिंह जी, सबसे पहले बात आती है मध्य प्रदेश में अगर, तो वो है बात किसान की। किसानों के लिए क्या कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने और सिसोदिया जी ने अपने क्षेत्र में किया? मध्य प्रदेश के अंदर गरोठ विधानसभा क्षेत्र जो एक मतलब अंतिम छोर राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ है, उसमें ये किसानों के लिए बहुत बड़ा एक जन कल्याण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सबको जानकारी हो है कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर गरोठ विधानसभा क्षेत्र के भानपुरा से विकास यात्रा प्रारंभ करके गरौट विधानसभा क्षेत्र के भानपुरा को इतनी बड़ी सौगात दी कि किसान अब अभी वर्तमान में और आने वाली कई पीढ़ियां मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूल सकती है, क्योंकि चंबल डैम के पास से लगभग 8 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाकर, जिसकी गहराई है 70 फीट, और उस टनल के माध्यम से एक बैराज बनाया और बैराज बनाकर नहर के माध्यम से लोग किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया है, जिसकी लागत है लगभग 257 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो है माइक्रो इरिगेशन का, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन किया, जिसकी लागत है लगभग 360 करोड़ रुपए। इससे गरौट विधानसभा क्षेत्र की 21,400 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। और अगर हम बात करें एजुकेशन की, क्योंकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ये नारा सरकार देती है, स्कूल कॉलेज आईटीआई, इन इन मामलों में कोई उपलब्धि है? शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ हुई है। हमारे यहाँ 5 हाई स्कूल भवन के साथ स्वीकृत हुए हैं, वहीं गरौट में आईटीआई भवन बनकर तैयार हो रहा है। और महाविद्यालय की बात करें तो भानपुरा में महाविद्यालय स्वीकृति के बाद में नया भवन निर्माण होने की हमारे यहाँ स्वीकृति हो गई है, अति शीघ्र भवन का कार्य प्रारंभ होने वाला है। कनेक्टिविटी के मामले में कोई ऐसा गांव, मजरा, टोला बचता है जहां सड़क की कमी महसूस होती हो? मजरे टोले की बात आती है तो मैंने सदन में एक प्रश्न लगाया था, सरकार ने उसका उत्तर दिया। पूरे प्रदेश में लगभग 723 करीब मजरे टोले छूटे हुए थे जिनको राजस्व अधिकार प्राप्त नहीं था। उसी में गरौट का जहाँ सवाल आता है तो लगभग 113 ऐसे स्थान है जो मजरे टोले में जिनको राजस्व का अधिकार नहीं था, उसमें शासन अब पूरी ताकत से लगी हुई है, काम कर रही है। उन्हें या तो राजस्व गांव घोषित कर दिया जाएगा या आबादी की उनको आबादी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का शासकीय लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही कनेक्टिविटी की बात अपन करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम चल रहा है। मेरे यहाँ लगभग सब तरह की मिलाकर 42 सड़कों का काम चल रहा है। 18 सड़कें बन रही है, नहीं 20 सड़कें ऐसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पहले सड़कें बनाई थी, उनका डामरीकरण होना सुनिश्चित हुआ है। और बाकी अभी मैंने भानपुरा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि सड़कें की संख्या ज़्यादा है लेकिन छोटी छोटी है, और यदि ये सड़कें बन जाएगी वो ऐसी लगभग 27 सड़कों और बाकी है जिनके लिए निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम इसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधान करेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य के मामले में बड़ा उल्लेखनीय काम एक कर रही है कि दवाएं लगभग 400 के आसपास दवाएं हैं जो फ्री दी जाती हैं, लेकिन संसाधन से लैस अस्पताल और स्टाफ से भरे हुए अस्पताल, ये कहीं कमी दिखती है। क्या ऐसी स्थिति गरौट में भी है? मैं पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, हम भी ये स्वीकार करते हैं, और डॉक्टरों की कमी को माना नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर तो तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर बन भी रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट में एम्प्लॉय होकर उधर उनका ध्यान जाने के कारण शासकीय अस्पतालों में कमी आ रही है। लेकिन जो भी वर्तमान में हमारे पास साधन और व्यवस्था है वो भी कम नहीं है, इसमें भी हमारी लगभग पूर्ति हो रही है, पर व्यवस्था और अच्छे सुचारू रूप से चले इसके लिए आवश्यकता तो है। सरकार ने जांचें सारी फ्री कर दी है, दवाइयाँ फ्री कर दी है, इससे काफ़ी लोगों को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें शिक्षा
जो आपने कहा कि उसमें बेहतर काम हो रहा है, सड़कों के मामले में केवल मजरे टोले ही केवल रह गए हैं, यानी 2018 जो इलेक्शन है उसके आते आते तक गरोठ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, या कहीं विकास के किसी सवाल को लेकर कांग्रेस जो है वो माइलेज ले सकती है या बीजेपी को चुनौती दे सकती है? मध्य प्रदेश के अंदर गरोठ विधानसभा की यदि बात करते हैं तो गरोठ विधानसभा पहले पिछले समय में काफ़ी पिछड़ी हुई थी, पर आज की स्थिति में यदि दूसरे से इसकी तुलना की जाए तो काफ़ी हद तक गरोठ विधानसभा आगे है और काफ़ी मजबूत हो रही है। और हम ये पानी की बात को लेकर, नहर को लेकर अगर बात करें तो किसानों में इतनी प्रसन्नता है कि जो भागीरथी प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, लोगों ने इस पानी को गंगा मानकर अपने खेतों में नारियल और प्रसाद बांटकर खेतों में पानी पिलाया है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक जो नहीं किया था, सोचा नहीं था, क्योंकि डैम काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन किसानों के हक में आज तक किसी ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। और ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, मैं तो ये कहता हूँ गरोठ ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको उस दिन भी आश्वस्त किया कि जो छूटा हुआ एरिया है इसको भी हम सिंचाई करने के लिए योजना बनाएंगे, कभी इसमें कमी आने का सवाल ही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए भावांतर योजना प्रारंभ की है ये भी बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि बीच बीच में किसानों को गुमराह किया गया, किसानों को, क्योंकि हमेशा कांग्रेस की ये धोखा देने वाली सरकार रही है, किसानों का शोषण किया है, और अभी भी इन्होंने यही किया कि ये भावांतर में सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। पर जब ये योजना और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में माल तुला और किसानों के खातों में पैसा आना चालू हुआ तो किसान इससे काफ़ी हद तक प्रसन्न है, और पार्टी की और सरकार की काफ़ी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण। प्याज के मामले की बात करें, प्याज आज 25 रुपये से 30 रुपये तक बिक रहा है, लेकिन सरकार ने जब 2 रुपये किलो प्याज फेंकने की स्थिति में किसान थे, उस दिन भी 8 रुपये किलो में खरीद कर किसानों को राहत दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान हैं, इन सब चीज़ों के कारण हम किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जिसके पाँव में अगर ब्याय नहीं फटी हो तो वो क्या दर्द जाने। किसान हैं, किसान का दर्द तो किसान ही समझ सकते हैं, और मैं भी किसान हूँ। हमेशा वो हम जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो पूछते रहते हैं कि किसानों को इससे और अधिक क्या किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 0% ब्याज, ये हमारा जीवन धन्य कर दिया। ये जो है, किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मरता है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त नहीं परिपूर्ण पूर्ण रूप से किसानों को ये एक फैसला करके दिखा दिया है कि किसान कर्जे में सोच ही नहीं सकेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए का जब ऋण होता है और यदि वो साहूकारी ब्याज से उसके 50,000 रुपये ब्याज के होते हैं, वो कुछ भी नहीं देना, 0। और मूलधन अपने जिसमें हम बात करते हैं कि खाद और बीज की, उसमें 10% कम, 1 लाख रुपए का अगर ले जाएं तो 90,000 ही देना पड़ते हैं। तो इससे किसान बहुत आत्मसंतोषी हैं, किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है 10 घंटे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बात करने, चूँकि सरकार हर तरफ सोचती है, गरीबों के कल्याण के लिए सोचती है, किसान के लिए सोचती है, लेकिन जो युवा हैं और जो रोजगार के अवसर हैं उसे लेकर हर क्षेत्र विशेष में कोई ना कोई यूनिट ऐसी शुरू होना चाहिए। क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हर तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की हैं, क्या आपके क्षेत्र में भी रोजगार के कोई अवसर हैं और उन्हें लेकर गंभीरता से काम हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम, एक नया कंसेप्ट तैयार करके प्रारंभ कर दिया है। आपने सुना होगा हनुमंत्या को टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसा ही स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी सागर मीठे पानी की बहुत बड़ी एशिया की झील है, जहां मछली, मीठे पानी की मछली भी लगभग अभी पहले 111 करोड़ रुपए का उसमें ठेका हुआ था, इतने बड़ा जलाशय वहाँ है, तो वहाँ टूरिज़्म की काफ़ी कुछ संभावना है, बढ़ती जा रही है। तो वहाँ हमारे यहाँ ये सर्किट हाउस था, उसका रिन्यूशन करके काम प्रारंभ कर दिया, लगभग 15 करोड़ की योजना बनी है। और वहाँ हमारे पास में गांधी सागर के अलावा चतुर्भुज नाथ मंदिर, वहाँ राख पेंटिंग, हजारों वर्ष पुरानी राख पेंटिंग के भी वहाँ चिन्ह हमको मिले हैं,
वहाँ वैज्ञानिक लगे हुए हैं सर्चिंग करने के लिए, बाहर के लोग भी आते हैं। वो ताकेश्वर कुंड जिसमें आज तक पता नहीं चला कि कितना गहरा है, ऐसा वहाँ ताकेश्वर कुंड भी है। छोटे बड़े महादेव बानपुरा में है। वहाँ का बानपुरा में एक छत्री जा नंदी है जिसको अमेरिका ले गए थे, उसका लगभग 125 करोड़ रुपये का उसका बीमा हुआ था। वो नंदी आज भी हमारे वहाँ है। हमारे उसके अलावा भी उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ पुरातत्व को लेकर भी बहुत यानी नई संभावनाएं बनती जा रही है। उसमें मैंने एक बार चर्चा भी करी थी। एक हमारे यहाँ पहला पोला डूंगर शैलोत कुरीन गुफा है, वैसा ही चंद्रवासा के पास में एक धर्मराजेश्वर का बड़ा स्थान है। तो हमने ये भी एक मांग रखी थी कि उदयपुर से गांधी सागर और गांधी सागर से उज्जैन, इस प्रकार के एक एयर टैक्सी प्रारंभ करना चाहिए ताकि वहाँ लोग आवे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और जो आज हम जिन स्थानों को देख चुके हैं कई बार, एक से अधिक बार, जो घूमने वाले लोग टूरिज्म वाले जो आते हैं, लेकिन यात्रियों को जब सुविधा मिलती है तो ज़रूर वहाँ डाइवर्ट होते हैं और वहाँ और अधिक इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना हम सोच सकते हैं। और हमारी जो कल्पनाएँ हैं उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। तो सरकार जो क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं पर्यटन के माध्यम से बनती हैं उन पर इस वक्त काम कर रही है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी जो सिंचाई योजना है वो गरौठ में दी गई है। अब देखना है एक 2018 तक सरकार के इन कामों का कितना सकारात्मक माहौल क्षेत्र में बना रहता है और चुनाव के जो परिणाम हैं वो विकास के दम पर भाजपा एक बार फिर क्या अपने पक्ष में ले पाती है। कैमरामैन रिजवान के साथ हित किशोर शर्मा।